हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं HBO मैक्स की प्रेजेंट की गई राइज बाय वुल्फ की सीजन 2 को, जो कि हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पर उससे पहले, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। सीजन 2 स्टार्ट करने से पहले इसके पिछले सीजन के बारे में जान लेते हैं। तो सीजन 1 में मदर अपने क्रिएटर के साथ मिलकर एक स्नेक को जन्म देती है, जहां की मदर और फादर उस स्नेक को मारने के लिए एक पिट में पहुंचते हैं, पर उनका प्लेन क्रैश कर जाता है और वो एक प्लैनेट पर फंस जाते हैं। ये तो थे पिछले एपिसोड के एंड के सीन्स, जिसके बाद ये एपिसोड का नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होता है, जहाँ सीजन 2 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें मदर को दिखाया जाता है। साथ ही डेसिमा को भी दिखाया जाता है, जो कि आर्क पर एक इंजीनियर थी। साथ ही उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। साथ ही डेसिमा और उसकी बेटी पर बॉम्ब लगे होते हैं, जो कि वहाँ के लोगों ने लगाए होते हैं, क्योंकि डेसिमा और उनकी बेटी प्रिजनर होती हैं, और अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो बॉम्ब ऑटोमेटिक फट जाएगा। एथियस सोल्जर्स मदर और फादर को कॉलोनी में ले जाते हैं, जहाँ की क्लीवर को दिखाया जाता है, जो कि एक एथियस साइंटिस्ट होता है। मदर होश में आते ही क्लीवर को बंदी बनाती है, पर तभी एक आवाज़ आती है जो कि मदर को मिलने के लिए बुलाती है। ये आवाज़ उस सुपर कंप्यूटर की होती है, जिसका नाम की थ्रस्ट होता है। मदर थ्रस्ट से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि शिप में कोई जिंदा बचा या नहीं। तो थ्रस्ट कहता है कि उनके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा है। मदर का एक बेटा होता है पॉल, जिसे कि थ्रस्ट ने कैद कर रखा था। वो उसे आज़ाद कर देता है, जिसके बाद थ्रस्ट को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। साथ ही मदर सबसे झूठ बोलती है कि उनका सातवां बच्चा स्नेक जो था वो मारा गया, ताकि किसी को पता न चले कि उनका सातवां बच्चा स्नेक की फॉर्म में जन्म लिया है। मदर और उसकी फैमिली को एक घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ की पॉलिसी के अनुसार अगर उन्हें यहाँ पर रहना है तो उन्हें ट्रस्ट के रूल्स फॉलो करने होंगे। मदर को बच्चों को संभालने का काम मिलता है, साथ ही फादर को बाकी बच्चों के साथ खाना ढूंढने का काम मिलता है। दूसरी ओर मार्कस एक एथियस शिप को हैजेक कर देता है, और मार्कस इस शिप से एथियस कॉलोनी पर तबाह करना चाहता था, पर वो शिप क्रैश कर जाती है और एसिड रिवर में गिर जाती है, पर मार्कस उससे बच जाता है। इसके बाद मार्कस एक गुफा में जाता है, जहाँ की दीवार पर सन बना होता है, क्योंकि ये गुफा पुराने टाइम में मिथिलस का पवित्र स्थान हुआ करती थी। द कलेक्टिव मिथिलेक्स को बॉम्ब पहनाकर उनसे डेंजरस काम कराया करते थे, जिसमें डेसिमा और उसकी बेटी भी थी। यहीं पर मार्कस आता है और डेसिमा और उसकी बेटी की जान बचाता है और उनकी चेस्ट पर लगे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर देता है। दूसरी ओर मदर के घर के बाहर कोई आग लगा देता है, जिसे कि थ्रस्ट पकड़ लेता है और लामिया उसे सजा देने के लिए कहता है। दूसरी ओर मार्कस और डेसिमा को टेमेडलिन मिलता है, जिसे ट्रस्ट ने अभी सजा दी होती है, और मार्कस इसे भी अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेता है। कैंपेनियन, जो कि मदर का बेटा होता है, वो जंगल में जाता है, जहाँ की वो एक जाइंट स्नेक को देखता है, जिससे कैंपेनियन बेहोश हो जाता है। जब सब लोग कैंपेनियन को ढूंढने लगते हैं तो मदर स्नेक को कैंपेनियन के सामने देखती है, तो वो उसे वहाँ से भगा देती है, पर उस जाइंट स्नेक को देखकर सब लोग डर जाते हैं और कुछ लोग एसिड रिवर में गिर जाते हैं, मारे जाते हैं, जिसके बाद ट्रस्ट उस स्नेक को मारने का ऑर्डर देता है। साथ ही मार्कस कलेक्टिव का एक टैंक हाईजैक कर देता है, तो उन्हें पता चलता है कि ट्रस्ट एक स्नेक के पीछे पड़ा हुआ है। डेसिमा की बेटी विल, पॉल और कैंपेनियन से मिलती है। दूसरी ओर मदर ने को स्नेक की स्किन मिलती है और वो उसे जलाकर स्नेक के लिए मारने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर मदर कलेक्टिव के बिछाए जाल को तोड़ देती है, जिसके बाद मदर एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ती है, जहाँ उसे वो स्नेक मिलता है। तो वो उसे देखती है कि स्नेक उस पर अटैक नहीं कर रहा है और वो काफ़ी अच्छा स्नेक है, जो कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिसके बाद मदर उसे मारने के बजाय उसे कैद कर देती है। ट्रस्ट ने सू को स्नेक के सैंपल चेक करने के लिए कहता है, तो उसे पता चलता है कि स्नेक ही मदर का सातवां बच्चा है। दूसरी ओर मदर के तीन बच्चे मार्कस को छुप कर देख रहे होते हैं। अभी मार्कस उन्हें देख लेता है और अपने साथ ले जाता है, और वहाँ पर उन्हें पॉल का चूहा एक वायरस से मारा जाता है,
और पॉल भी उस वायरस की चपेट में आ जाता है। ये सब ट्रस ने किया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि पॉल मार्कस से मिलने के लिए जरूर जाएगा। तो कैंपेनियन अपनी मदर से हेल्प लेने के लिए वहाँ जाता है। तो डेसिमा अपनी बेटी को उसे पकड़ने भेजती है। इसी बीच एक जानवर विरिल पर अटैक कर देता है। तो कैंपेनियन विरिल की जान को उस जानवर से बचाता है, जिसके बाद कैंपेनियन अपनी मदर को लेकर पॉल के पास जाता है, जहाँ मार्कस और मदर में फाइट होने लगती है, जहाँ मदर मार्कस के पेट से नेक्रोमेंसर की आँख को बाहर निकाल देती है और पॉल को लेकर थ्रस के पास जाती है। पर थ्रस के पास इस वायरस का एंटीडोट नहीं होता, तो मदर उसे शट डाउन कर देती है। दूसरी ओर फादर ने एक एंड्रॉयड बनाया था जो कि गायब हो रखा था। थ्रस को शट डाउन करने के बाद मदर अब कलेक्टिव की लीडर बन चुकी होती है और वो उस वायरस के एंटीडोट के लिए लीवर को टॉर्चर कर रही होती है और उसे कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी ओर सू पॉल की जान बचाने के लिए एसिड वाटर में रहने वाले जानवरों पर लगी लीच का इस्तेमाल करना चाहती थी। कैंपेनियन इसमें उसकी मदद कर रहता है। अगले सीन में मार्कस और उसकी टीम एक टेंपल की सुरंग में जाते हैं। मार्कस उस गुफा के अंदर वाले भाग में जाता है और बाकी सब गुफा के बाहर खड़े होते हैं। डेसिमा विरिल का सिस्टम खराब कर देती है, जिसकी वजह से विरिल सबको मार देती है। गुफा के अंदर मार्कस को एक एलियन बॉडी मिलती है, जिसे छूते ही एलियन जाग उठता है। तो मार्कस पर अटैक करने लगता है, पर मार्कस उसे मारकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसे हॉली मिलती है। पर तभी वहाँ पर फादर और लूसियस आ जाते हैं, जो कि मार्कस को पकड़कर कैंप में ले जाते हैं। दूसरी तरफ लीच की वजह से पॉल अब ठीक होने लगता है। रात को सू को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जो कि उस प्रिज्म में रखे बीज को बोने का ऑर्डर देती है। सू ने मौका देखते ही मार्कस को आज़ाद करा देती है और फिर मार्कस सू और पॉल बीज बोने के लिए चले जाते हैं। पर मदर को पता चल जाता है कि सू मार्कस को छुड़ाकर पॉल को लेकर वहाँ से चले गए हैं। सू और पॉल को ढूंढते हुए मदर लूसियस से मिलती है और लूसियस मदर की हेल्प करने के लिए मान जाता है। रात को जंगल में सू पॉल को लोरी सुनाकर सुला रही होती है। पॉल तो सो जाता है, पर वो रैलिक खुद ब खुद खुल जाता है, जिसमें कि एक बीज पड़ा होता है। सू उस बीज को अपने हाथ में उठाती है तो बीज पिघल कर सू की बॉडी में घुस जाता है, जिसके बाद सू जमीन खोदने लगती है। सुबह जब पॉल उठता है तो वो देखता है कि रैलिक खुल रखा है और उसके सामने एक बड़ा सा ट्री है। पॉल मार्कस को उठाता है और दोनों ट्री के पास जाते हैं। ट्री के सामने एक फल पड़ा होता है, जिसे मार्कस खाता है। मार्कस के फल को खाते ही उसे पता चल जाता है कि सू ही वो ट्री है, जिससे कि दिल की धड़कने की आवाज़ आ रही है। पॉल ट्री ऑफ नॉलेज के फल को लेकर कैंप में जाता है और सबसे झूठ कहता है कि ये फल उसे सेक्टर 7 से मिले हैं, जो कि सेफ हैं, जिसके बाद सब फल खाना शुरू कर देते हैं। कैंपियन को छोड़कर सबने फल खा लिए होते हैं और पॉल और मार्कस दूर से बैठकर इन लोगों पर नज़र रखे होते हैं। दूसरी ओर टेम्पेस्ट की बेबी को ढूंढने के लिए एक ड्रोन तैयार किया जाता है और उस पर एक एसिड वाटर वाले जानवर की स्किन चढ़ाई जाती है ताकि वो एसिड वाटर में काम कर सके, पर वो ड्रोन एसिड वाटर में जाते ही खराब हो जाता है। उसके बाद विरिल उस ड्रोन को चुरा लेती है। साथ ही होली सबको बताती है कि विरिल ने डेसिमा और बाकी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। विरिल बताती है कि उसने अपना ये डिफेंस यूज़ किया है, डेसिमा ने पहले उस पर हमला किया था। दूसरी ओर मदर ट्री ऑफ नॉलेज को छूते ही समझ जाती है कि ये सू का दिल धड़क रहा है। मदर में कैंप में जाते ही सबको फल खाने से रोकती है। साथ ही नंबर 7 केव का दरवाज़ा तोड़कर सारे फल खा जाता है और वहाँ से चला जाता है। मार्कस और पॉल सू भेजे सिग्नल्स को समझ नहीं पाते। अभी वहाँ पर नंबर 7 आकर पूरे ट्री को खा जाता है और एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद मदर वहाँ पर आती है और नंबर 7 को रोकने की कोशिश करती है, पर नेक्रोमेंसर की पावर की वजह से नंबर 7 मदर को बेहोश कर देता है। पॉल और मार्कस मदर को कैंप में लेकर जाते हैं, जिसके बाद मदर को होश आते ही वो बताती है कि नंबर 7 उसका बच्चा है, इसलिए वो उसे नहीं मार सकती। एरेंटुला पहुंचते ही मदर सबको बताती है कि मार्कस उसके साथ काम कर रहा है। साथ ही कैंपियन और विरिल जंगल में होते हैं, जहाँ नंबर 7 उन्हें ढूंढ रहा होता है। इसी के साथ विरिल का सिस्टम शट डाउन हो जाता है, जिसके बाद कैंपियन विरिल की बॉडी को दफना देता है। कैंप में मदर ग्रैंड मदर से मास्क लेने की तैयारी करती है, जिसमें मार्कस मदर की मदर हेल्प करता है। दूसरी ओर हंटर टेम्पेस्ट की बच्ची को लेकर लैब में जाता है, जहां उसे पता चलता है
के बच्ची म्यूटेट होकर वाटर क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगी है, तो वो उसे ठीक कर देता है। दूसरी तरफ मदर पर मास का ट्रांसप्लांट हो चुका होता है और मदर नंबर 7 को आउटर स्पेस में ले जाकर मार देती है। उसके बाद मदर कुछ टाइम और उस मास्क को पहने रखती है, रन टोला में कुछ टाइम और स्पेंड करती है। दूसरी ओर फादर और ग्रैंड मदर बच्चों को वार्निंग कार्ड दिखाते हैं, जिसे देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। दूसरी ओर नंबर 7 की बॉडी से जड़ें निकलने लगती है और ट्री ऑफ नॉलेज बन जाता है। दूसरी तरफ कैंपियन ग्रिल के लिखे हुए मैसेज को पढ़ रहा होता है। मार्कस अब टूटे टेंपल में जाता है ताकि प्लांट की मदद से वो इस प्लैनेट के कोर में जा सके। तभी वहाँ पर लूसियस आता है और उसे गोली मार देता है और ट्री ऑफ नॉलेज से उल्टा लटका देता है। मदर और नंबर 7 की हुई फाइट में प्लैनेट का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, जैसे कि वहाँ पर बर्फ जमने लगती है। साथ ही मदर को पता चलता है कि ग्रैंड मदर ने पूरे प्लैनेट को डंप बनाना चाहती है, से कभी भी इस प्लैनेट पर फाइट ना हो, पर वो कुछ कर पाती इससे पहले ग्रैंड मदर का दिया हुआ मास्क पूरा फैलकर मदर को जकड़ लेता है और ग्रैंड मदर उसे कैद कर देती है। साथ ही एंड में लूसियस मार्कस को एक मास्क पहनाता है, जिसे पहनते ही मार्कस उल्टा होकर हवा में उड़ने लगता है। इसी के साथ ये सीजन 2 ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।